तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे बहुत ही खूबसूरत से इस एक बेल वाले पौधे के बारे में। इसको क्लिमेटिस पेनिकुलाटा या फिर रंजाई भी बोलते हैं। आज जो है वो सितंबर की पहली तारीख है और आज की इस वीडियो में इसकी मैं केयर आपके साथ शेयर करूंगा, किस तरह से इस पौधे की देखभाल करनी चाहिए, किस तरह का इसको क्लाइमेट जो है वो पसंद रहता है और किस समय पर ये जो है वो बेहतरीन फूल देती है। सबसे पहले बात करूं तो इस बेल का जो बढ़ने का सही समय रहता है वो गर्मी का मौसम रहता है। गर्मी के आते ही ये बेल जो है वो तेजी से ग्रो करने लगती है। इस बेल के पौधे को आप चाहें तो जमीन में भी लगा सकते हैं, नहीं तो जैसे मैंने इस पौधे को ग्रो किया है, ये एक 12 इंच के क्ले पॉट में ग्रो किया है। आप चाहें तो इस तरह से इसको 12 से 14 इंच के जो गमले के अंदर ग्रो कीजिए। वो जो पॉट का साइज है इस बेलनुमा पौधे के लिए बहुत ही सफिशेंट साइज है। फ्लावरिंग का जो सही समय रहता है इस बेल वाले पौधे का वो मॉनसून का टाइम रहता है। मॉनसून में ये पौधा जो है बहुत अच्छी क्वांटिटी के अंदर, अगर आप अभी भी देखेंगे तो मेरे पौधे पर आपको सैकड़ों एक साथ जो फूल हैं वो नज़र आएंगे। तो मॉनसून के टाइम इसका जो फ्लावरिंग का बेस्ट टाइम रहता है और मॉनसून के बाद लगभग सर्दी की शुरुआत तक ये पौधा बहुत अच्छे से फूल देता रहता है। और सर्दी में थोड़ा सा ये पौधा जो है वो डोरमेंसी में चला जाता है। उस समय आप इसको ऐसी जगह पर प्लेस कीजिए जहाँ पर इसको धूप तो मिले लेकिन बहुत ज़्यादा जो है वो धुंध इसके ऊपर ना पड़े। अगर इस प्लांट को आप अपने पास गमले में ग्रो करते हैं दोस्तों, तो इस प्लांट को एक आपको सपोर्ट देकर, एक ट्रेलिस की जो सपोर्ट देनी पड़ेगी, जैसे मैंने यहाँ पर देखिए एक वुडन स्टिक्स की जो इसको है सपोर्ट दी है, क्योंकि ये जो प्लांट है ये कोई भी एरियल रूट या सेकेंडरी रूट्स में कह सकता हूँ, जिस तरह से मनी प्लांट पर एरियल रूट्स रूट्स बनती हैं, सेकेंडरी रूट्स बनती हैं, तो इस प्लांट पर कोई भी इस तरह से रूट नहीं बनती और खुद ब खुद ये कहीं पर भी जो है वो अपने आप को सपोर्ट नहीं दे पाता। इसलिए आपको इस पौधे को जो है वो एक सपोर्ट देनी पड़ेगी, एक ट्रेलिस फॉर्म करनी पड़ेगी इस पौधे के लिए। उस कंडीशन में ये प्लांट जो है वो बहुत अच्छे से ग्रो करेगा और आपको जो इसके फ्लावर्स हैं वो बाहर की साइड पर बहुत सुंदर से नजर आएंगे। अगर मिट्टी की बात करूं तो इस पौधे के लिए आप ऐसी मिट्टी तैयार कीजिए जिसमें पानी रुके ना। जो मैंने अपने गमले के लिए मिट्टी तैयार की थी उसमें 40% जो है वो काउडंग कंपोस्ट, 30% जो है वो मिट्टी का और 30% जो है वो रेत का इस्तेमाल किया था। ऐसी मिट्टी तैयार कीजिए जिसमें थोड़ा सा मॉइस्चर जो है वो होल्ड करना चाहिए, नमी रहनी चाहिए। नमी वाला क्लाइमेट इस पौधे को पसंद रहता है, लेकिन बहुत ज़्यादा अगर आपके गमले में पानी रुकेगा तो इसकी जो पत्तियां हैं वो आपको ब्राउन कलर में जलती हुई नज़र आएंगी। तो उस कंडीशन में आप समझ जाइए कि आपकी जो मिट्टी है वो वेल ड्रेन्ड नहीं है। गर्मी के मौसम में इस पौधे को आप बिल्कुल रेगुलर वाटरिंग कीजिए, बिल्कुल रोज़ाना पानी दीजिए, लेकिन जैसे ही ठंड का मौसम आए इस प्लांट को आप बिल्कुल कम पानी दीजिए, क्योंकि वो समय इसकी ग्रोथ का नहीं रहेगा। जब मिट्टी बिल्कुल ऊपर से आपको 1 से 2 इंच बिल्कुल सूखी हुई नज़र आए, ड्राई नज़र आए, तभी पानी दीजिए। जिन मेरे दोस्तों को खुशबू वाले पौधे पसंद रहते हैं उनके लिए भी ये जो प्लांट है एक परफेक्ट ऑप्शन है। इस प्लांट में बिल्कुल धीमी धीमी जो है वो खुशबू रहती है, जब एक साथ ढेरों फूल खिलते हैं तो बहुत ही अच्छा जो नज़ारा रहता है इस पौधे का देखने में। फर्टिलाइज़र की अगर बात करूं दोस्तों, तो इस पौधे का जब भी फ्लावरिंग का समय होता है जुलाई या अगस्त के मौसम में, ये पौधे पर जो है वो कलियां बननी स्टार्ट हो जाएंगी। आपको जैसे ही मॉनसून का समय नज़र आएगा, लगभग लगा लीजिए अगस्त की स्टार्टिंग में, तो इस पौधे पर आपको कलियां बनती हुई दिखाई देंगी। उस कंडीशन में आने पर आप इस पौधे को अच्छे से वर्मी कंपोस्ट या काउडंग कंपोस्ट, साथ में थोड़ा सा बोन मील और बहुत सारे केले के छिलके बिल्कुल ड्राई करके वो इसके गमले में ऐड कर दीजिए, या फिर आप लिक्विड फॉर्म में कंपोस्ट तैयार कर इस पौधे को लगभग 10 से 15 दिन में फीड कीजिए। वो इस प्लांट की अच्छी ग्रोथ और अच्छी फ्लावरिंग के लिए बहुत ज़्यादा सफिशिएंट रहता है और प्लांट बहुत तेज़ी से बहुत अच्छी फ्लावरिंग प्रोड्यूस करता है। लास्ट में बात करूं दोस्तों इसके प्रोपगेशन की, तो इसकी जो प्रोपगेशन है इसकी कटिंग से की जाती है। कटिंग से प्रोपगेट करना इस पौधे को बहुत ज़्यादा आसान रहता है। इस तरह से देखिए कुछ कटिंग इसकी जो
थोड़ी सी थिक कटिंग है, बिल्कुल ग्रीन कटिंग है, इस तरह की कुछ कटिंग आप जो ये नोड का एरिया है इससे नीचे लगभग 2 इंच नीचे की आप कटिंग ले लीजिए। इस कटिंग को आप सिंपल जो मिट्टी और रेत के मिक्स में लगा दीजिए और हल्का पानी देकर छोड़ दीजिए, तो ये बहुत जल्दी जो है वो रूट्स डिवेल्प कर लेगी। दूसरा, आप इसकी एयर लेयरिंग भी कर सकते हैं ऐसे पौधों के, यहाँ पर आप गुट्टी बांध दीजिए तो गुट्टी से भी इसकी प्रोपोगेशन की जा सकती है। बात करूं अगर पेस्ट या इंसेक्ट के अटैक की, तो इन पौधों पर कोई बहुत ज़्यादा पेस्ट या इंसेक्ट का अटैक नहीं होता, फिर भी आप प्रिकॉशन के तौर पर आप इन्हें नीम ऑयल का जो स्प्रे है वो लगभग महीने में एक बार इन पर कीजिए, तो आपके ये पौधे जो हैं वो बिल्कुल हेल्दी बहुत अच्छे से ग्रो करेंगे। तो बस दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही, फिर किस दिन मिलते हैं किसी और नए टॉपिक के साथ, किसी और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय, हैप्पी गार्डनिंग, टेक केयर।